हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अलमाज ब्यूटी स्टाइल। पर्पल हॉल पर्पल पर सेल स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट से हर प्रोडक्ट पर 30%, 40%, 45 और 50% तक डिस्काउंट चल रहा है। तो गाइस चलिए हम हमारा हॉल स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल अलमाज ब्यूटी स्टाइल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है ये फेस वॉश। तो ये VLCC का कॉम्बो पैक है, तो इसमें हमें बाय वन गेट वन फ्री ऑफर मिल रहा है। तो टू फेस वॉश है गाइस, एक नीम फेस वॉश है और एक एंटी टैन स्किन लाइटनिंग फेस वॉश है। गाइस दोनों भी फेस वॉश बहुत अच्छे हैं, मैंने इसे यूज़ किया है काफ़ी अच्छे से और ये अच्छे से कार्डबोर्ड पैकेजिंग में अच्छे से पैक होकर आते हैं। गाइस इसके पीछे सब इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, एक्सपायरी डेट लिखा है, इसका प्राइस लिखा है। अगर आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो ये नीम फेस वॉश है, ये हमें काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में मिल रहा है और अगर आप ये यूज़ करते हो तो अगर आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है तो ये उसे भी दूर करेगा। गाइस ये एक जेल की तरह है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, ये पैराबेन फ्री है और ये हमारे स्किन में जो एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो ये उसे भी दूर करेगा। और हमें जो फ्री फेस वॉश मिला है वो एंटी टैन स्किन लाइटनिंग फेस वॉश है विथ मलबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ। तो ये हमारे स्किन पे जो इम्प्योरिटीज होती है एंड जो टैन होता है ये उसे रिड्यूस करता है, हमारे स्किन को अच्छे से क्लियर करता है। तो ये फेस वॉश अगर आप परचेस करना चाहते हो तो गो फॉर इट, ये बहुत अच्छा है हमारे स्किन के लिए। दोनों फेस वॉश ही बहुत अच्छे अच्छे क्वांटिटी में मिल रहे हैं और ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप अगर परचेस करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से इसे ज़रूर परचेस करें। मैंने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है वो दो ऑयल्स लिए हैं मैंने गुड वाइब्स के, एक ऑलिव ऑयल और एक कैस्टर ऑयल। तो जो कैस्टर ऑयल है ये मैंने 100 ml का लिया है, ये हमारे स्किन के लिए हमारे हेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे पैकेजिंग में उन्होंने उनका कोड दिया है, आप इसे स्कैन कर सकते हो। उसके बाद उसने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं स्किन के लिए, इसके बेनिफिट्स क्या है, हाउ टू यूज़ और इसका एक्सपायरी डेट वो सब लिखा है। ये 100 ml की बॉटल है और ये काफ़ी चलती है, मैंने इसके पहले भी यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। और दूसरा जो ऑयल है गुड वाइब्स का, तो ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, ये 200 ml की बॉटल है क्योंकि मैं बहुत यूज़ करती हूँ तो इसके लिए मैंने 200 लिया। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप 100 ml भी इसमें मिल जाएगा, ले सकते हो। इसकी भी एक्सपायरी डेट 2022 तक है और ये 275 का मिल रहा है, पर डिस्काउंट में आपको काफ़ी कम इसमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है उसमें लिया है मैंने एप्स गुडनेस का सैंडलवुड पाउडर और ये अच्छे से पैकेजिंग में आता है और इस पर उसमें जो भी यूज़ किए हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये लिखा है फर्स्ट पैकेजिंग में। ये 50 ग्राम में आता है और मैंने जो दूसरा पाउडर लिया है ये रोज़ पेटल पाउडर है। तो ये इसके भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कैसे करना है, इसका एक्सपायरी डेट, इसका प्राइस सब उन्होंने मेंशन किया है और ये भी काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में मिल रहा है हमें। 50 ग्राम के हैं ये दोनों भी पैकेट्स, तो ये 90 rupees के है पर डिस्काउंट में ये आपको काफ़ी कम में मिल जाएंगे। तो दूसरा जो प्रोडक्ट मैंने लिया है ये वॉव स्किन साइंस का एक बॉडी लोशन है, 24 आवर्स तक हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है और डीपली हाइड्रेट करता है। ये 30 ml का प्रोडक्ट है, इसमें नो मिनरल्स, नो पैराबिन्स, नो सिलिकॉन्स, नो कलर और ये बहुत ही अच्छा हमारे स्किन के लिए शिया बटर एंड कोको बटर मॉइस्चराइजिंग है। तो गाइस अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो ऐसा छोटा सा आप प्रोडक्ट ले सकते हो, ये 99 का है और ये भी 2022 तक चलेगा। तो मैंने बस ट्राई करने के लिए लिया है, तो अब भी इसे छोटा सा क्यूट सा है काफ़ी है तो अब ले सकते हो। इसके पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, एक्सपायरी डेट, उसका प्राइस लिखा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने गुड वाइब्स का लिया है जो कि एक सीरम है। तो ये रोजिप रेडियंट ग्लो सीरम है, ये 10 ml का है और ये पैराबेन फ्री है और ये हमारे स्किन को काफ़ी ग्लो करता है, ये बहुत ही अच्छा है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो इसमें हमें एक ड्रॉपर भी मिलता है और ये 10 ml की बॉटल है। तो गाइस आप ये ड्रॉपर की हेल्प से अपने फेस क्लीन फेस पर डायरेक्ट इसे अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस आप इसे अगर परचेस करना चाहते हो तो ज़रूर परचेस करें क्योंकि हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना छोटी सी क्यूट सी पैकेजिंग में आता है, मैंने इसको सिर्फ 10 ml में लिया है। आपको अगर अच्छा लगे तब इसे बड़ी बॉटल भी ले सकते हो, 30 ml में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है, तो मैंने कुछ लिपस्टिक्स और काजल लिए, तो जो मैं आपको उसका डेमो बताऊंगी कि तो मैंने लिपस्टिक लिए है, ये लिप क्रियॉन्स है, ये NYB की और काफ़ी अच्छी कलर में है। इसका जो नंबर है ये 35 नंबर है, पिंक जूस्ड और ये पिंकिश कलर में है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये
ओपन कैसे करते हैं, तो ये अच्छे से कैप दिया है उसको ओपन के लिए, और इसका काफ़ी अच्छा कलर, ये बहुत ही स्मूथ मैट फिनिश में है और बहुत ही प्यारा कलर है ये पिंक कलर। तो अगर आप लेना चाहो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हो। बहुत ही प्यारा कलर है ये, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। एक्चुअली मैंने जितने भी शेड्स लिए मुझे काफ़ी पसंद है ये पिंक कलर में, बहुत ही अच्छा है आप देख सकते हो इसे। और जो मैंने दूसरा लिया है तो ये बेला का है, बेला वोस्टा मैट लिप क्रेयॉन्स, और ये मरूम कलर में है, मैट मरूम कलर, और ये भी काफ़ी अच्छा जाता है ऑल स्किन टाइप को। अगर आप मीडियम टू फेयर स्किन है तो आप ये कलर यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा जाएगा, ये बहुत ही अच्छे कलर में है। इसके पीछे इसका नंबर दिया है तो ये 80 नंबर का है, 08 लिव द लाइफ। और जो नेक्स्ट लिपस्टिक है तो ये काफ़ी अच्छी है एम्स्टरडम, और ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है। और गाइस इसका जो नंबर है ये 1 नंबर है, और इसका जो नेम है ये है पिंक डायमंड, ये पिंकिश कलर में है, इस तरह से ये ओपन होती है, और ये बहुत क्यूट मैट लिप क्रेयॉन्स है, और ये भी पिंक कलर में है, मुझे पिंक कलर काफ़ी पसंद है पर्सनली यूज़ के लिए, तो मैंने इसके लिए ये भी पिंक कलर में लिया है, और ये भी काफ़ी अच्छी, मैंने इसके पहले भी इसको यूज़ किया है, तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है हमारे लिप्स पर, और ये बिल्कुल ही हमारे लिप्स को ड्राई नहीं करता, मॉइस्चराइज रखता है, बट ये मैट लिप क्रेयॉन्स है, ये बहुत ही अच्छी है, तो आप इसे ज़रूर बाय करें। गाइज मैंने नेक्स्ट जो लिया है तो ये NYB का काजल है, तो अगर आप स्मोकी आइज क्रिएट करना चाहते हो या ब्रॉड काजल लगाना चाहते हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गहरा ब्लैक कलर में है, तो आप देख सकते हो कि कितना ब्लैक है। अगर आप स्मोकी आई क्रिएट करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा क्रीमी है, बहुत ही सॉफ्ट है, और काफ़ी अच्छा कलर है, सी काफ़ी अच्छा कलर है। अगर आप बोल्ड आइज काजल लगाना चाहोगे तो इसे काफ़ी अच्छा होगा, और आप इसे ईजीली स्मोकी आई क्रिएट कर सकते हो, इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जो दूसरा काजल लिया है ये भी NYB का ही है, तो अगर आपको काजल को आईलाइनिंग की तरह यूज़ करना है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी फिनिश देता है, ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है, ये काफ़ी क्यूट सा सिल्वर कलर में है इसका पैकेजिंग। अब हम प्रोडक्ट देखते हैं, तो ये ऐसे स्मॉल साइज में आता है जैसा पेन की तरह है, और ये सर्कुलर मशीन में जब आप इसे ओपन करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट हमें मिलता है इसमें, काफ़ी प्रोडक्ट है गाइस इसमें, आप देख सकते हो कि काफ़ी प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, और ये काफ़ी दिन तक चलेगा, और आपको इसका स्ट्रक्चर भी देखो, काफ़ी क्रीमी है, और ये स्मूथ नहीं होता, ये वाटरप्रूफ है, आप ट्राई कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आप एक अच्छा काजल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप NY का ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने एक कॉम्पैक्ट लिया है नेक्स्ट, तो ये कॉम्पैक्ट जो है ये बेला रोस्टा का है कॉम्पैक्ट फेस पाउडर, तो ये हमें 9 ग्राम का मिल रहा है, ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, और इसकी डेट और इसमें क्या क्या यूज़ किया था पीछे उन्होंने अच्छे से मेंशन किया है। ये मैट फिनिश देता है, हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, और ऑयल कंट्रोल करता है, और एक वाइट कलर में है, और काफ़ी हार्ड पैकेजिंग है इसका, और बहुत ही अच्छा है, हमें अच्छे क्वालिटी का मिरर भी मिल रहा है, गुड क्वालिटी है मिरर की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है मिरर की। उसके साथ हमें एक स्पंज मिल रहा है अप्लाई करने के लिए कॉम्पैक्ट, और ये जो कॉम्पैक्ट है ये मीडियम तो फेयर स्किन टोन वाले यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे पैकेजिंग में आता है, ये मैट फिनिश है, और आप देख सकते हो कि ये हमारे स्किन पर कैसा लगेगा, तो ये काफ़ी अच्छी फिनिश लुक देता है, मैट फिनिश लुक, और ये हमारे ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है, स्किन में मैट फिनिश देता है, और हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और पीछे उसका सब इन्फॉर्मेशन दिया है, उसका प्राइस कितना है, वो हमें कितना ग्राम मिल रहा है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने VLCC का इंस्टा ग्लो हर्बल ब्लीच लिया है विथ कुकुम्बर एंड रोज पेटल्स, तो VLCC के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, आप इसको बाय कर सकते हो, पीछे इसके जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उन्होंने कैसे यूज़ करना है वो बताया है, और इसकी मैग्नीफाइड डेट भी दी है उन्होंने, इसका प्राइस 55 रुपीज़ का, पर डिस्काउंट में आपको काफ़ी कम में मिल जाएगा ये,
और ये हमें 27 ग्राम का मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है इसमें। और हम इसे ओपन करके देखते हैं तो हमें इसमें ब्लीच क्रीम मिल रही है 20 ग्राम्स की, जो पाउडर है तो वो 2 ग्राम्स का मिल रहा है, और पोस्ट ब्लीच पैक मिल रहा है वो 5 ग्राम का है। तो इसमें जो भी कैसे भी यूज़ करना है ना, तो इसमें हमें सब अच्छे से डिटेक्ट किया है। तो ये दोनों भी क्यूट से बॉटल्स है, तो आप इसे अच्छे से मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो। अगर कैसे हाउ टू अप्लाई कैसे करना है इसे, तो आपको यूट्यूब पर अच्छे से ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है गाइस, ये अच्छे से बबल रैप होकर आता है। तो इसमें एलोवेरा जेल और एक कुकुम्बर टोनर है। गाइस ये टोनर 100 ml का है, ये एप्स गुडनेस का कुकुम्बर टोनर है। तो ये हमें एक रिफ्रेश करता है हमारे स्किन को, बैलेंस करता है पीएच लेवल को, और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, एक कूलिंग इफेक्ट देता है हमारी स्किन पर। ये बहुत ही अच्छा है, आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, हाईली रिकमेंड करूँगी मैं आपको। गाइस ये बहुत अच्छा स्मेल करता है और हमारे स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है। तो इसे इस तरह से ओपन करना है, ये हमें स्प्रे बॉटल में मिलता है, और हमारे क्लीन फेस पर हम इसे डायरेक्टली इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं, आप देख सकते हो। और ये बहुत अच्छा स्मेल करता है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है, ये एलोवेरा जेल है एस्टी डेवेंस का, और ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आता है। ये विटामिन ई के साथ ऑल स्किन टाइप को सूट करता है, और पीछे इसके सब इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, ये कैसे यूज़ करना है, इसके कॉजिशन बताए हैं। ये हमारे स्किन पे रिंकल को रिड्यूस करता है, स्ट्रेच मार्क को ट्रीट करता है, एक्ने के एक्ने पिंपल्स के जो प्रॉब्लम से ट्रीट करता है। ड्राई स्किन ही अगर है तो भी ये उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, तो ये मैंने लिया है निविया का डिओडोरेंट। तो ये स्किन वाइटनिंग है, स्मूथ करता है हमारे अंडरआर्म्स को, वाइटनिंग इफेक्ट देता है, ये 24 आवर्स तक प्रोटेक्ट करता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये रोल ऑन है, और ये हमारे ब्लैक, अगर अंडरआर्म्स ब्लैक है तो ये इसे वाइट करता है, और ये काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में हमें मिल रहा है। तो जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है, ये NYB का है लिपिंग ब्रॉडवे लिप। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये फ्रेश रोज लिपिंग कलर में मिल रहा है। इसका जो शेड है ये तो 02 में है, और ये आपको अच्छे क्वांटिटी में भी मिल रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये हमें हमारे लिप्स को हाईली शाइन फिनिश देता है, स्मूथ ऑन लिप्स करता है, और इसकी जो स्मेल है ये काफ़ी अच्छी स्मेल है, लाइट वेट है हमारे लिप्स पर, ये अच्छे हमारे स्किन को शाइन करता है। एक्स्ट्रा कलर तो नहीं आता है लिप्स पर ये शाइन प्रोवाइड करता है, देख सकते हो आप ये कितना शाइन कर रहा है मेरे हैंड पर। तो आप लिप्स पर इसे अप्लाई कर सकते हो, हमारे लिप्स को काफ़ी स्मूथ और शाइनी बनाएगा, और ये काफ़ी अच्छा है, अच्छा कलर और बहुत ही प्यारी स्मेल है इसमें, स्लाइट और बहुत ही हल्की सी स्मेल है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया ये काफ़ी अच्छे बबल रैप होकर आता है। तो मैंने इसेंशियल ऑयल लिए हैं, जो मैं जो DIY फेस पैक बनाती हूँ तो उसमें मुझे काफ़ी यूज़ होते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट गाइस जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट लिया है, ये गुड वाइब्स का है ऑरेंज इसेंशियल ऑयल, ये 100% प्योर है, और ये मैंने 10 ml की बॉटल में लिया है। तो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, ये 100% वेजिटेरियन है, और इसके पीछे इसके सब इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, कैसे यूज़ करना है, इसके बेनिफिट्स क्या है हमारे स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। और चलिए इसे हम ओपन करके देखते हैं। तो हमें एक ड्रॉपर मिल रहा है जिसकी हेल्प से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये ग्लास की 10 ml की बॉटल है, इसका जो कैप ही गोल्डन कलर में है। और हमने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑयल लिया है, तो ये गुड एप्पल्स एल्प्स गुडनेस का है, ये लवेंडर इसेंशियल ऑयल है। गाइज ये काफ़ी अच्छा है, उसकी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है। जो नेक्स्ट लिया है हमने, ये भी एल्प्स गुडनेस का है, ये लेमन इसेंशियल ऑयल है। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है, तो ये भी एल्प्स गुडनेस का है इसेंशियल ऑयल। तो ये टी ट्री इसेंशियल ऑयल ही हमारे स्किन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है, तो ये इसेंशियल ऑयल है एप्स गुडनेस का टर्मरिक इसेंशियल ऑयल। तो गाइस ये भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ ही में मेरे चैनल अलमाद ब्यूटी स्टाइल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी, तभी आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। गाइस ये सभी प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से उसे परचेज कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।